अयोध्यादास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज परिसर में बने सांसद विकास निधि योजना के अंतर्गत नवनिर्मित कॉमन रूम एवं कंप्यूटर हॉल का लोकार्पण बुधवार को राज्यसभा सांसद एवं केंद्रीय सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल द्वारा किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने बताया कि कंप्यूटर हॉल के निर्माण के साथ ही DIOS को निर्देशित किया गया है कि कंप्यूटर स्वीकृत कर कॉलेज में मुहैया कराया जाए। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य रेमी यादव, उप प्रधानाचार्य माला सिंह, शिक्षिका बिंदु पांडे, लेफ्टिनेंट अनामिका खरवार सहित विद्यालय की शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद एवं केंद्र सरकार के पूर्व वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल ने कहा, सभी सांसदों को उन्होंने निर्देश दिया कि 150 किलोमीटर की यात्रा करो। उस समय यात्रा करनी है, लेकिन शायद आज उन सांसदों को लग रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने अगवा करके किस तरह से सांसदों को उसके क्षेत्र के साथ जोड़ने का काम फिर किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से उसको पूरा करने का काम करेंगे। लिखा हुआ है यह कार्य एक सांसद ने करा दिया है। आज हम लोग के लिए बहुत ही आनंदित अवसर है, क्योंकि जो बहुत आवश्यक होती है और यहाँ पर कोई इस तरह का हाल नहीं था जिसमें कि बच्चे एक साथ। मुझे लगता है कि कंप्यूटर कक्ष ही नहीं होना चाहिए, उस कंप्यूटर कक्ष में कंप्यूटर भी होना चाहिए। और अभी जब यहाँ से गवर्नमेंट सैंक्शनिंग की स्थिति आती तो उसमें समय लगता और कक्ष तैयार हो गया है, तो इस नाते मैंने DIOS महोदय से परामर्श करके यह उचित समझा कि आज ही दे दिया जाए, आज घोषणा कर दिया जाए और जल्द से जल्द कंप्यूटर लग जाए ताकि बच्चे पढ़ने लगें। इस स्थिति में मैंने यह कार्य किया है, मैं इसके लिए DIOS प्रधानाचार्य सबका धन्यवाद देता हूँ।